नमस्ते दोस्तों, नाउ वी स्टार्ट लेसन टू ए रूम 10x8 feet। तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। दिस रूम माइट बी 10x8, सेड मिसेज मलिक पॉइंटिंग टू ए स्क्वेयर इन द ड्राफ्ट प्लान। दिस रूम, यह जो रूम है या यह कमरा है वो 10x8 feet का हो सकता है, इसकी ओर इशारा करते हुए स्क्वेयर यानी चौखाने के अंदर इन द ड्राफ्ट प्लान, योजना का जो प्लान था उसके अंदर, लेइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, जो उनके सामने टेबल पर पड़ा हुआ था। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट सी हैड मेड दिस सजेशन, और यह तीसरी बार थी कि उसने यह सुझाव दिया था। इट सीम्ड इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड, और यह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसके ऊपर ना तो उसका पति ध्यान दे रहा था, और द आर्किटेक्ट एंगेज्ड टू डिजाइन द हाउस, और ना ही वह भवन शिल्पी जो इसका रूप दे रहा था। द मलिक वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मलिक जी, इन जो मलिक परिवार है वो दिल्ली के अंदर अपना घर बनाने जा रहे थे। दे हैड परचेज ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी, वो लोग खरीद चुके थे एक भूखंड बहुत ही आधुनिक शैली की कॉलोनी के अंदर ऑफ द टाउन, कस्बे की, सम टाइम अगो, कुछ समय पहले। नाउ अब दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, वो लोग वापस दिल्ली पोस्टेड या नियुक्त हो चुके थे। दे थॉट, और उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल एज हैव द हाउस बिल्ट, कि वो लोग एक घर है वो बना लेंगे। इन हर हर्ट्स ऑफ हर्ट्स, और अपने हृदय के भी अंदर हृदय के अंदर मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड, मिसेज मलिक है वो तय कर चुकी थी दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि इस भवन के निर्माण पूरा होने के बाद में शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वह दिल्ली के अंदर ही ठहरेगी। इवन इफ हर स्पेंड वार ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, यदि उसके पति का स्थानांतरण अन्य जगह पर हो जाए तो भी। शी वाज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग, से वह उसके पद स्थापन से परेशान थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, और प्रत्येक दूसरे वर्ष वो एक नए जगह चले जाते थे। नाउ अब दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, बच्चे बड़े हो चुके थे। इट वॉज नो डिजरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और यह अब अच्छी बात नहीं थी कि उनको एक स्कूल से दूसरी स्कूल उनको शिफ्ट स्थानांतरित किया जाए। मिसेज मलिक सेड, और मिसेज मलिक ने कहा, इफ ही मस्ट, यदि ऐसा हो, इफ ही मस्ट, यदि ऐसा हो, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, इसका मतलब यह है कि यदि ट्रांसफर हो जाएगा तो मिस्टर मलिक है वो अकेले जा सकते हैं। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली, वह स्थायी रूप से दिल्ली में बस जाएगी विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ में। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ, और उसके शी वुड हैव मदर हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और साथ के लिए उसकी सास है वो उसके साथ में रह जाएगी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक का इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन या विरोध नहीं था। दिस रूम माइट बी 10x8 feet, और यह रूम है वो 10x8 का हो सकता है कि, मिसेज मलिक रिपीटेड, और मिसेज मलिक ने एक बार पुनः दोहराया। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग ए टेलीफोन, उसका पति है वो एक टेलीफोन को अटेंड कर रहा था कॉल इन द एडजेसेंट रूम, एडजेसेंट यानी पास का, पास वाले कमरे के अंदर। बट दिस इज स्टोर, लेकिन यह तो एक स्टोर या भंडार ग्रह है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक, आर्किटेक्ट या भवन शिल्पी है उसने मिसेज मलिक को समझाया। यस बट, लेकिन आई थॉट, मैं सोचता हूँ, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, यह मेरी सास का रूम हो सकेगा। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में, इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, इसको स्टोर रूम के रूप में काम में ले लिया जाएगा। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, भवन शिल्पी है ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने इसे नहीं समझा। ही लुक्ड पजल्ड, वह उलझन में दिखाई दिया बाई मिस्टर मिसेज मलिक जी ऑब्जर्वेशन, मिसेज मलिक का जो ऑब्जर्वेशन या सर्वेक्षण है उसके ऊपर। आई मीन, मेरा मतलब है, माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम, कि मेरी जो सास है वो इस कमरे को उपयोग में ले सकती है फॉर द प्रेजेंट, वर्तमान के अंदर। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, शी इज ओल्ड एंड इनफर्म, वह वृद्ध है और कमजोर है। शी इजंट गोइंग टू देयर फॉर, वह वहाँ नहीं जाएगी। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में, इट कुड बी कवर्ड
कवर्टेड इनटू ए स्टोरूम, और इसको कवर्टेड यानी बदल लिया जाएगा एक भंडार गृह के रूप में। मिसेज मलिक एक्सप्लेन्ड हाल्टिंगली, और मिसेज मलिक है उसने रुक रुक के इस चीज़ की व्याख्या की। मिसेज मलिक ज्वाइन देम, मिस्टर मलिक है उसने उनको सम्मिलित कर लिया। इट सिम्स यह प्रतीत हो रहा था वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर बात करते हुए, ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, ही यानी वह मिसेज मलिक ज्वाइंट मिस्टर मलिक ज्वाइंट दें मिस्टर मलिक है वो उनके साथ में हो गया। इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, और यह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जब वह टेलीफोन पर बात कर रहा था, ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, उसने उस सोच उस सजेशन सुझाव में अपना ध्यान दिया था। ही टू वाज ऑफ द ओपिनियन, और उसकी भी ऐसी राय थी, दैट द स्टोर रूम बी लिटिल बिगर, कि एक स्टोर रूम है वो थोड़ा छोटे से बड़ा होना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम, और यह ज़्यादा अच्छा होता है एक लंबा चौड़ा भंडार गृह हो, सो दैट जिससे कि वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक मोर फ्रीली, जिससे कि कोई संदूक वगैरह आसानी से हिला डुला सके। देन तब इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट, तब यह ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है टू कीप इट टाइडी, इसको स्वच्छ रखने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड, और ऐसा तय किया गया, दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन, कि जो रसोई घर के पास वाला जो कमरा है, शुड बी 10x8 feet, वह 10x8 feet का होगा। द कोर्टयार्ड वुड बी लिटिल नैरोवर, और जो आहता है वो थोड़ा ज़्यादा सकड़ा हो जाएगा। बट दैट डिडंट मैटर मच, लेकिन यह कोई बड़ा मामला नहीं होगा। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, और इस प्रकार से जो शेष चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी उपलब्ध करा दी गई। फॉर एंड द प्लान वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन, और इस प्रकार से जो कार्य योजना है उसको पेशित की गई अप्रूवल अनुमोदन के लिए कॉरपोरेशन या निगम के द्वारा। मिसेज मलिक टू कैन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन, और मिसेज मलिक है उसने अथक रुचि ली निर्माण के अंदर। ऑफ द हाउस उस घर की, शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट, वह उस साइट या उस जगह के ऊपर वहाँ पर खड़ी रहती थी विथ हर अम्ब्रेला अपने छाते के साथ में थ्रू आउट द डे पूरे दिन। शी सुपरवाइज्ड वे एवरी डिटेल्स, वह प्रत्येक चीज का सर्वे करती। एट टाइम्स कई बार शी वुड गिव ए हैंड टू द मेसन, से वह कारीगर को सहायता करती। एंड अदर्स और अन्य लोगों को, शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, वह पहली थी जो निर्माण स्थल के ऊपर पहुंचती। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन, और सभी के बाद में उसे छोड़ती। हैड गोन अवे, सभी के जाने के बाद में, शी एंश्योर्ड, वह आश्वस्त थी दैट देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मेटीरियल, कि वहां पर किसी सामान का अपव्यय नहीं हो। एंड द लेबर, और लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और जो मजदूर हैं वो बेकार में नहीं रहे। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, बिफोर लॉन्ग, जिससे पहले द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, भवन का निर्माण कर लिया गया। मिसेज मलिक इंसिस्टेड, मिसेज मलिक जोर देती थी दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि इस घर के लिए नया फर्नीचर है वो बनाया जाए। शी वुड नोट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, और वह नए घर के अंदर पुराने फर्नीचर या लकड़ी के सामान के प्रवेश की किसी प्रकार की अनुमति नहीं देती थी। नोट ए पीस ऑफ इट, यहाँ तक कि इसके एक टुकड़े का भी। देवर स्टिल इन द मिडेस्ट ऑफ प्लान टू शिफ्ट, और वे लगभग इसके बीच में थी जब वो स्थानांतरित होने वाले थे। वेन दे लर्नड, जब उन्होंने पाया दैट द हाउस हैड बीन अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार ने उस घर को अधिग्रहित कर लिया है। मिसेज मलिक वाज फ्यूरियस, मिसेज मलिक है वो हिंसक हो गई या गुस्से में हो गई। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, वेन मिस्टर मलिक मेंशनड द रेंट, जब मिस्टर मलिक ने वर्णन किया उस किराए का, असिस्टेड जो आंका गया, शी क्वाइटेंड डाउन, तब वह शांत हुई। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, और जब उस घर के निर्माण का सर्वेक्षण किया जा रहा था, शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नाइबर्स, तो उसने पैदा कर दिया था प्रेम अपने पड़ोसियों के साथ में। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और उस कॉलोनी के अंदर दोस्त बना लिए थे। शी थॉट, वह सोचती थी, ऑफ वेरियस प्लान, कई योजनाओं के बारे में, फॉर डूइंग अप द हाउस, उस घर के होने पर। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, लेकिन सभी चीज़ों को भुलाया जा चुका था। देन तब देवर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली,
उनका दिल्ली के लिए स्थानांतरण हो गया। मिस्टर मलिक वाज हैप्पी, मिस्टर मलिक है वो प्रसन्न था। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, अब वह अपने घर को ज्यादा नहीं देख सकती थी। रिग्रेट, पश्चाताप कर सकती थी। नॉट बींग एबल टू लिव इन इट, और न ही इसका पश्चाताप था कि वह इसके अंदर नहीं रह सकी। एंड देन, और तब थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, और तब पर्याप्त जो किराया है उसके बारे में सोचने लगी। फील कंसोलिडेटेड, और तब वह सांत्वना महसूस करती। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण। दे हैड टू वेट फॉर मेनी मोर ईयर्स, उन्होंने कई वर्षों तक इंतजार किया। फॉर अनोदर ट्रम, दूसरी बारी का। ओ पोस्टिंग इन दिल्ली, दिल्ली में पदस्थापन का। इन द मीनवाइल, इसी बीच मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास अवी, मिसेज मलिक की मदर इन लॉ या जो सास है वो गुजर गई यानी देहांत हो गया उसका। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, और उसकी पुत्री की भी शादी कर दी गई। इन ए वे, और इसी में रस्ते में। दे वर लकी, वे लकी एंड भाग्यशाली थे। दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनका घर है वो सरकार को किराए पर दिया गया था। प्राइवेट टेनेंट से, जो निजी किराएदार हैं, आर सच हेडेक, वो वास्तव में सरदर्द होते हैं। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, उनकी शिकायत और मांगों का कोई अंत नहीं होता। एंड देन, और तब। दे आर मोर ऑफन देन नोट इरेगुलर, और वो लोग नियमित नहीं होते। इन द पेमेंट ऑफ द रेंट, किराए भुगतान में। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विजिशनड, और उसी समय जो मिसेज मलिक का घर है वो अधिग्रहित कर लिया गया बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। द रेंट वॉज क्रेडिट टू देयर बैंक अकाउंट, और जो किराया है वो उनके बैंक के खाते में जमा करवाया जाता था। एवरी मंथ रेगुलरली, प्रत्येक महीने नियमित रूप से। ओनली देयर सन रिमेंड टू बी मैरिड नाउ, अब उसका बच्चा है वही केवल शादी होने से बचा था। मिसेज मलिक थॉट दैट, और तब मिसेज मलिक ने मिस्टर मलिक थॉट दैट, और मिस्टर मलिक ने सोचा कि दे वुड रादर बी डन विथ इट बिफोर ही रिटायर्ड, कि वह इसको कर लेंगे उसके रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्ति से पहले। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके पुत्र की भी शादी कर ली गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज, और मिस्टर मलिक है वो अपनी सेवा से निवृत्त हो गई। बट देयर हाउस, लेकिन उनका घर हैड नॉट येट बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट, अब भी सरकार के द्वारा मुक्त नहीं किया गया। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन, मिस्टर और मिसेज मलिक है वो अपने पुत्र के साथ रहते थे। एंड डॉटर इन लॉ, और पुत्र वधू के साथ में। इन ए रेंटेड हाउस, एक किराए के घर में। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, और मिस्टर मलिक है वो अभी गवर्नमेंट से लड़ रहे थे फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, घर को मुक्त कराने के लिए। वेन हिज एंड केम, जब उनका अंत आया। ही पास्ट अवे, वे गुजर गए। विदाउट बींग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर ए डे, बिना अपने घर में एक दिन रहे ही उन्हें गुजरना पड़ा, या इनका उनका देहांत हो गया। नाउ अब, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीनों के अंदर, द हाउस वाज डी रिक्विशनड, जो घर है उसको मुक्त करा लिया गया। मिसेज मलिक जी डॉक्टर इन ला वाज कीनर देन मिसेज मलिक, और मिसेज मलिक की जो पुत्र वधु है वो मिसेज मलिक से ज्यादा कीनर यानी उत्सुक थी। मलिक टू शिफ्ट टू हर ओमन हाउस, अपने स्वयं के घर के अंदर स्थानांतरित होने के लिए। हाउस द मोमेंट दैट वर रिस्टोर्ड पोजिशंस ऑफ द हाउस, और वो क्षण अभाव आ गया जब घर के अंदर वापस स्थापित होना था। सी हैड इट पेंटेड, उसने उसका रंग करवाया। एंड पोलिश्ड, और पॉलिश करवाई। एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और वहाँ पर शिफ्टिंग यानी स्थानांतरित होना शुरू कर दिया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड, और जो फर्नीचर या जो लकड़ी का सामान है उसको आदेश दिया गया कि वे फर्नीचर को सप्लाई करें। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे, उनको सोमवार को इसको शिफ्ट करना था मॉर्निंग सुबह के समय। बट एज दे वोकअप, लेकिन जो ही वो जगह दे फाउंड, उन्होंने पाया दैट इट वाज रेनिंग, कि वर्षा हो रही थी। द डाउन प्योर वार रादर हैवी, और जो मूसलाधार वर्षा है वो तेज थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतजार किया और इंतजार किया। देन तब इट वाज टाइम फॉर मिसेज मलिक से सन,
यह समय आ गया था मिसेज मल्ली के पुत्र के लिए टू गो टू ऑफिस ऑफिस या कार्यालय जाने का. इट वॉज डिसाइडेड, और यह तय किया गया, दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि वह इसे शाम को स्थानांतरित कर लेंगे. इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, और दिन भर वर्षा होती रही. इट वॉज रेनिंग एज हेवली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, और शाम को समय भी इतनी ही तेज बरसात थी. मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, और सोमवार को एक शुभ दिन माना जाता था, मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ, और मिसेज मलिक है वो इसको स्थानांतरित करना चाहती थी, इफ दे कुड, यदि वे कर सकें. आउट ऑफ कंसिडरेशन, पूरे विचार के बाद में, फॉर हिज मदर, उसकी माता के, द सन डिसाइडेड, उस पुत्र ने तय किया, टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैवीली, कि इसको शिफ्ट किया जाएगा यदि तेज बरसात होगी तो भी. दे सेंट फॉर ए टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार, उन्होंने अपनी कार के अलावा एक टैक्सी को बुलाया, एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और एक औपचारिक चलना तय किया. द रेस्ट ऑफ द लैंग्वेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, और बचा हुआ जो सामान उसको बाद में शिफ्ट कर दिया जाएगा. इट वॉज रेनिंग इंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअसली, यानी अब जो बरसात है वो लगातार हो रही थी. सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, कार की पिछली सीट पर बैठे हुए मिसेज मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरीज, मिसेज मलिक है वो यादों के अंदर खो गई. वाट पेन्स शी हैड टेकन वाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, कितने कष्ट उसने लिए थे जब घर का निर्माण किया गया था. द डेज उन दिनों, वेन शी मिस्ड हर मील्स, जब उसने अपना दोपहर का भोजन छोड़ दिया. द डेज शी स्टूड इन ए स्कोर्जिंग हीट और ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन द प्रोग्रेस, और दोपहर की जो झुलसाने वाली जो गर्मी है उसके अंदर उस घर का या काम का वह प्रोग्रेस यानी उन्नति की सर्वेक्षण करती रही. द डेज ही सी वाज डीरेंज्ड इन द रेन, और वो दिन जब वह वर्षा में भीग गई. द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, और आर्किटेक्ट है उसने उस घर का एक रंगीन चित्र बनाया. द वे इट वुड लुक वेन कंप्लीटेड, और जबकि यह कैसा दिखाई देगा जब यह पूरा हो जाएगा. इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरामदा, और वहाँ पर वरामदे के अंदर घर की जो महिला है उसकी खड़ी हुई का चित्र था. विथ हर बैग, और उसके पीछे टुवार्ड्स द मार्बल पिलर, जो मार्बल का खंबा है उसके साथ में. एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, सुंदर और ग्रेसफुल यानी गरिमा पे. एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट, एक ऐसी तस्वीर जिसमें संतुष्टि हो. क्लेड इन ए मेरून साड़ी, और जो गहरी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई मिसेज मलिक फेल्ट, मिसेज मलिक ने महसूस किया, दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि जो आर्किटेक्ट है उसने पेंटेड हर, उसको रंग दिया. बट सी नेवर वोर मेरून कलर साड़ी, लेकिन उसने कभी भी लाल रंग, गहरे लाल रंग की साड़ी नहीं पहनी थी. द फिगर इन द स्केच, और उस स्केच या खाके के अंदर जो चित्र था, हाउएवर तथापि, वाज एज टॉल एज मिसेज मलिक, वो इतना लंबा था जितना कि मिसेज मलिक थी. इन रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, जो रिक्लाइनिंग यानी सहारे खड़ी होना, जो पिलर के सहारे खड़ी हुई थी. सी स्टूड द वे मिसेज मलिक यूज टू स्टैंड, और वो उसी तरीके से खड़ी थी जिस तरीके से मिसेज मलिक खड़ा हुआ करती थी. मिसेज मलिक सादा फिगर, मिसेज मलिक ने उस फिगर या चित्र को देखा इन द स्केच, उस स्केच के अंदर. एंड वुड गो, और वह एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, और वह गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई. मैनी टाइम, कई बार. सी थॉट, उसने सोचा, दैट ही सी मस्ट सो, कि वह अवश्य ही दिखाई देती होगी. दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम, तो वह अवश्य ही दिखाएगी इस स्केच को अपनी पुत्रवधू को समटाइम, यानी कोई बार वह इस स्केच को अपनी पुत्रवधू को दिखाएगी. हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विथ हर हस्बैंड, उसकी पुत्रवधू है वो आगे की सीट के ऊपर अपने पति के साथ बैठी हुई थी. मूविंग द रियर का रियर व्यू ग्लास, और उसने मूविंग यानी हिला दिया जो पीछे दिखने वाले कांच को टुवार्ड्स हर अपनी ओर. शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, और वह अपने होठों को एक बार पुनः रंगने लगी. वेयर वाज द नीड टू पेंट द लिप्स, और उन होठों को रंगने की कहाँ जरूरत थी. वेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जब वो अपने स्वयं के घर जा रहे हों. एट द मोस्ट दे वुड ईट, और तभी उन लोगों ने खाया. एंड देन तब गो टू स्लीप, सोने के लिए चले गए. स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, विचित्र तरीके होते हैं आधुनिक लड़कियों को. एंड हाउ द गर्ल
टाग्ड और कैसे वह लड़की बात कर रही थी। शी वॉज जेबरिंग इंसेंसली, वह लगातार बकवास कर रही थी। वाई मस्ट सी टॉक विथ हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, और वह अपने पति के साथ में इंग्लिश में बात क्यों कर रही थी। मिसेज मलिक हैड नोट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेज मलिक है वो इंग्लिश को नहीं समझती थी। सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वह केवल इसी में असफल थी। सी हैड एकम्प्लिश एवरी थिंग, उसने सभी चीज़ें पूरी कर ली थी। एल्स इन लाइफ, अपने जीवन के अंदर। सी लर्नड बाल रूम डांसिंग, और वह बाल रूम जो डांस या नृत्य है उसको भी सीख लिया था। सडनली अचानक अचानक इट अकर्ड, यह घटित हुआ टू मिसेज मलिक दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट, कि जो फिगर रंगा गया था उस भवन शिल्पी के द्वारा वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि वह उसकी पुत्र वधू का हो सकता था। हाउ कुड दैट बी, लेकिन यह कैसे संभव था। शी वॉज नो वेयर ऑन द सीन, वह उस परिदृश्य में थी ही नहीं। वेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, जब उस भवन की योजना तैयार की गई थी। बट देन, लेकिन तब। शी वॉज वेयरिंग ए मैरून कलर्ड साड़ी, वह एक गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। दैट द फिगर इन द स्केच हैड, जैसा कि उस स्केच या उस स्केच या खाके के अंदर था। यस हाँ, इट वॉज मैरून कलर, यह मैरून कलर था। मिसेज मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर, और मिसेज मलिक ने कभी भी गहरा लाल रंग पसंद नहीं किया। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, और वह उसके रुचि के लिए बहुत ही ज़्यादा था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ, वह लड़कियों के लिए था जैसे उसकी पुत्र वधू, हु वर फोन ऑफ मैरून कलर, वह मैरून कलर की शौकीन थी। सी कैन वियर मैरून श्योरली, वह पहन सकती थी मैरून निश्चित रूप से। सेड मिसेज मलिक टू हरसेल्फ, मिसेज मलिक ने अपने आप से कहा। आई विश, मैं चाहता हूँ। सी कुड आल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, कि उसे इतना कठिन कार्य करना चाहिए जितना कि मैं करती हूँ। आई हैड एवर ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज, इस घर की प्रत्येक ईंट मेरी आंखों के सामने रखी हुई थी। इन सन, सूर्य के अंदर, एंड रेन, बरसात में। आई स्टूड ऑन द साइट सुपरविजिंग द कंस्ट्रक्शन, मैं उस स्थल के ऊपर खड़ी रही और उस निर्माण का सुपरविजन या सर्वेक्षण करती रही। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह जल्दी, टिल लेट, और देर तक, इन द नाइट, रात को। मैनी टाइम, कई बार। आई हेल्प्ड द मेसन्स विथ मोर्टर एंड ब्रिक्स, उसने मसाले और ईंटों से कारीगरों की सहायता की। मैनी टाइम्स, कई बार। आई हाल्टेड, मैं रुकी। द रबर पाइप, आई एच ए यू एल होल्ड, मैंने घसीटा। द रबर पाइप को, एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर वॉल, और प्लास्टर की हुई दीवार के ऊपर पानी छिड़का। देन दे रिच्ड द हाउस, तब वो लोग घर पहुंच गए। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, उसके लड़के ने कार को सीधी बरामदे के अंदर ले गया। एंड और हर डॉटर इन लॉ जम्प्ट आउट, उसकी पुत्र वधू है वो उछल करके बाहर आई। ऑफ इट इससे, एंड देयर सी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, और वह उस मार्बल के पिलर के सहारे खड़ी हो गई ऑन द बरामदा बरामदे में। एग्जैक्टली, ठीक रूप से, द वे, उसी तरीके से, द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर, जैसा कि आर्किटेक्ट ने उस फिगर को, उस स्केच जो खाका था ना भवन का, उसके अंदर रंगा था। मिसेज मलिक फेल्ट ए रेज इन हर हर्ट, और इस प्रकार से मिसेज मलिक है उसने अपने हृदय में उसको आघात लगा। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मोक्ड एट हर, हो सकता है कि जो आर्किटेक्ट ने उसका मजाक बनाया हो। स्टैंडिंग ऑन द वरामदा, वरामदा में खड़े हुए, क्लोज टू द पिलर, बिल्कुल पिलर या खंबे के नज़दीक। ट्राइंग टू कवर हर एलोबरेट हेयरडो, वह कोशिश कर रही थी अपनी केस विन्यास को उन्नत करने की। विद द मैरून कलर साड़ी, अपनी मैरून कलर साड़ी के द्वारा कवर इन ढकना। हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, और उसकी पुत्र वधू है वो निर्देश दे रही थी टू द सर्वेंट्स, नौकरों को, अबाउट द लगेज, सामान के बारे में। इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, उस टैक्सी के अंदर जो उनकी कार के पीछे थी। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, और जो सामान है वो टैक्सी से हटा लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और टैक्सी ड्राइवर है वो भुगतान के बाद में वहाँ से चला गया।
Mrs. Malik was still sitting on the back seat of their car. और मिसेज मलिक है वो अभी अपनी कार की पिछली सीट के ऊपर बैठी हुई थी. She had a strange sinking sensation और वह एक विचित्र अनुभूति में डूब गई. देन तब हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर द हाउस. उसका पुत्र और पुत्रवधू है उन्होंने घर में प्रवेश किया. दे पुट ऑन द लाइट्स ऑन वन बाय वन. उन्होंने एक के बाद एक दूसरी लाइटों को जलाया. एवरी रूम वॉज लिट अप. प्रत्येक कमरा वो जला दिया गया. मिसेज मलिक लुकड ऑन वाइड आइड. मिसेज मलिक है उसने आंखें चोरी करके देखा. स्टिल अब भी सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार. कार की पिछली सीट के ऊपर बैठे हुए इन द एग्जाइटमेंट उत्तेजना के अंदर. Nobody seemed to have remembered to open the door for her the way it was done. और किसी भी व्यक्ति ने उस दरवाजे को खोलने का के बारे में याद नहीं आया जिस तरीके से यह किया जाता था. सडनली अचानक हर सन थॉट. उसके पुत्र ने सोचा. ऑफ हिज मदर अपनी माँ के बारे में. ही रेन टू द पोर्च. वह आयते की ओर गया. एंड ओपन द डोर और दरवाजे को खोला. ऑफ द कार उस कार का. ए ड्राइव इन द इवनिंग. शाम के समय में एक जो ड्राइव या जो वाहन में चलना है. ऑलवेज मेक मी गो टू स्लीप. मेरे को सोने के लिए तैयार कर देता है. द मदर स्पोक इन ए विस्पर. माता है वो फुसफुसाती हुई बोली. हर डॉटर इन ला. उसकी पुत्र वधू हैड आल्सो कम आउट. वह बाहर आ चुकी थी. एवरीवन वाज लाफिंग. प्रत्येक व्यक्ति हंस रहा था. मिसेज मलिक सी डॉटर इन ला वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर. और मिसेज मलिक की पुत्र वधू है वो खड़ी हुई थी उस मार्बल का जो पिलर का खंबा है उसका सहारा लेकर के. ऑन द वरामदा अगेन. वरामदा में एक बार पुनः. सी वाज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डो. और वह अपने बालों को ढकने का या केश विन्यास को ढकने की कोशिश कर रही थी विद अ मैरून कलर साड़ी. उस मैरून रंग की साड़ी के द्वारा. आई एम नॉट गोइंग टू ईट. मैं खाने नहीं जा रही हूँ. आई हैव नो एपिटेट. मुझे भूख नहीं है. सैड मिसेज मलिक. मिसेज मलिक ने कहा. आई वुड लाइक टू स्लीप. मैं सोना पसंद करूँगी. द सर्वेंट हैड लेड डिनर ऑन द टेबल. और जो नौकर है वो मेज के ऊपर खाना लेकर के आ गए थे. देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम. तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने कमरे के अंदर चले जाएं. सेड द डॉक्टर इन ला. उस डॉक्टर इन ला ने कहा. पॉइंटिंग टू रूम. उस कमरे की ओर इशारा करते हुए सेड द 10x8 जो 10x8 फिट का था. एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट. और उसके पुत्र ने ऐसा ही किया मिसेज मलिक के लिए. होल्डिंग हर हैंड. उसके हाथ पकड़े. सी वाज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी. और वह भयानक रूप से उनंदी महसूस कर रही थी. मिसेज मलिक सुक हर हेड अगेन. मिसेज मलिक ने एक बार अपना पुनः हाथ है हेड इन सिर है एक बार पुनः हिलाया. बट वाट वाज रॉन्ग विथ इट. उसके साथ क्या गलत हुआ था. हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गोन. उसके पति पहले से जा चुके थे. शी वुड फॉलो हिम. उस वह भी उनका अनुसरण करेगी. वंड एक दिन शी मस्ट डू इट. उसे भी यह करना था. आई थॉट इट. मैंने ऐसा ही सोचा. कुड बी माई मदर इन ला रूम. मैंने सोचा था कि यह मेरी सास का कमरा होगा. एंड आफ्टर हर और उसके बाद में. इट माइट बी कवर्टेड इन टू स्टोर. इसको भंडार गृह में परिवर्तित कर दिया जाएगा. दीज वर्ड रिकॉर्ड इन मिसेज मलिक्स ईयर्स. ये शब्द मिसेज मलिक के कानों में गूंज रहे थे. एंड देन और तब शी हर्ड हर डॉटर इन ला कॉमेंट. उसने अपनी पुत्र वधु के कॉमेंट या टिप्पणी को सुना. दी हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड. हालांकि यह घर है उसकी योजना बहुत अच्छी तरह बनाई गई है. इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम. यहाँ पर एक कमी है भंडार गृह की. आई वुड लाइक टू हैव ए बिग एनफ स्टोर. और मैं एक बड़ा स्टोर या भंडार गृह है या भंडार कमरा जो कमरा है वो पसंद करती हूँ. मिसेज मलिक हर्ड इट. मिसेज मलिक ने इसे सुना. शी फेल्ट और उसने महसूस किया एज इफ मानो कि शी वाज सिंकिंग डीप. वह डूब गई हो गहरी एंड डीप ओ गहरी इन टू ए बॉटमलेस वेल. एक पेंदे रहित बिना पेंदे के कुएं के अंदर. के एस दुगल. दिस लेसन रिटन बाई के एस दुगल. तो अब अबाउट द लेसन के बारे में ले लो. के एस दुगल इज ए रिनोड इंडियन राइटर. रिनोड यानी ख्याति प्राप्त. के एस दुगल हैं वो एक ख्याति प्राप्त भारतीय लेखक हैं. हु राइट्स इन इंग्लिश. वो इंग्लिश में लिखते हैं एंड पंजाबी और पंजाबी में विथ
विद इक्वल ईज, बिल्कुल सही तरीके से। ही इज वर्सेटाइल एंड प्रोलिफिक, वो वर्सेटाइल यानी प्रतिभाशाली हैं और प्रोलिफिक और बहुसृजनक हैं। एज एन ऑथर और लेखक के रूप में हिज आउटपुट इज इमेंस, उनका आउटपुट इमेंस एंड प्रचुर है। एंड वैल्यूएबल और मूल्य योग्य है। ही हैज पेंड मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने 500 से भी ज़्यादा लघु कहानियाँ लिखी। 10 नॉवल्स, 10 उपन्यास, 50 शॉर्ट प्ले, 50 यानी 50 हैं वो छोटे नाटक, 7 प्ले बिसाइड सेवरल बुक्स, और इनके अलावा कई किताबें ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो साहित्यिक समालोचना पर थी। एंड 2 वॉल्यूम ऑफ वर्स, और पद के 2 वॉल्यूम या 2 संस्करण भी लिखे। एंड हिज ऑटोग्राफी, और अपनी जीवनी। ही इज ए रिसिपियंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड, और उसे कई प्रेस्टिजियस यानी ख्याति प्राप्त सम्मानपूर्वक पुरस्कार मिले। एंड हैज आल्सो बीन डेकोरेटेड विथ पद्म भूषण, और उनको पद्म भूषण का से भी नवाजा गया। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप, और ये जो पाठ है इसका जो मुख्य आधार है कि जो जनरेशन गैप या पीढ़ी अंतराल है उसके ऊपर है। विच इज इमर्जिंग एज ए सीरियस थ्रीट टू अवर सोशल फैब्रिक, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसके लिए एक गंभीर थ्रीट एंड धमकी है। द स्टोरी हाईलाइटेड हाउ कंप्लेंसी, और यह कहानी है वो दिखाती है कि कैसे कंप्लेंसी पजेसिवनेस की कंप्लेंसी यानी आत्मसंतोषता और पजेसिवनेस और स्वामित्वता, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और उचित समझ की कमी, एंड म्यूचुअल लव और परस्पर प्रेम की, एंड केयर कैन वाइडन दिस गैप, और संभाल है वह इस अंतराल को और बढ़ा देते हैं। द राइटर वॉइस हिज ग्रेव कंसर्न, और जो लेखक है वो कहता है ग्रेव यानी गंभीर चिंता का विषय, ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी बढ़ती हुई प्रवृत्ति ऑफ इल ट्रीटिंग यानी खराब व्यवहार वंस ओवन पेरेंट्स, अपने स्वयं के माता पिता का, एंड ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी का, बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी, जो आधुनिक शैली की समाज है उसके द्वारा। इट इज ए थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी, और यह एक थॉट यानी विचार को बढ़ाने वाली कहानी थी। रिटन इन ए सैटायरिकल वेन, जो एक सैटायरिकल व्यंग की शैली के अंदर लिखी गई है। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय, ओके।